सो एज वी नो डैट हाइड्रोकार्बन हैज़ टू टाइप, डैट इज सैचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड. सो सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम. सो यहाँ पे क्या होता है, दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. इन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देर इज अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स. या तो डबल बॉन्ड होता है दो कार्बन एटम के बीच में, या क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है. सो सैचुरेटेड अल्केन्स को भी हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. क्यों? बिकॉज क्योंकि जो अल्केन्स है उसका डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैविंग अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. इन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देर आर टू टाइप, डेट इज अल्किन्स एंड अल्काइन्स. ये अल्किन्स एंड अल्काइन्स बोथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो अल्किन्स का डेफिनेशन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स हैविंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम. सो यहाँ पे क्या होता है, अल्किन्स में डबल बॉन्ड होता है दो कार्बन एटम के बीच में. एंड अल्काइन्स में क्या होता है, अल्किन्स में होता है डबल बॉन्ड एंड अल्काइन्स में होता है डैट इज ट्रिपल बॉन्ड. सो इसलिए क्या है, अल्किन्स और अल्काइन्स दोनों क्या है, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है. सो अल्किन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, एंड अल्काइन्स का जनरल फॉर्मूला इज व्हाट, डैट इज CnH2n-2. सो हम ये तीनों को कैसे रिमेंबर रख सकते हैं, डैट इज यहाँ पे देखिए अल्किन्स में क्या है, ए है, यहाँ पे ई, अल्किन्स में क्या आता है, ई आता है ई, एंड अल्काइन्स में वाई. सो हम इसको ऐसे रिमेंबर रख सकते हैं, डैट इज ए इज अल्किन्स, ई इज अल्किन्स, एंड वाई इज अल्काइन्स.